बिहार में इन दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक खूब चर्चे में हैं। चर्चा की मुख्य वजह है के पाठक के कड़क फैसले। अपने सख्त फैसलों की वजह से के पाठक खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। कभी शिक्षकों से कबाड़ बिछवाते हैं तो कभी टॉयलेट साफ कराते हैं। इतना ही नहीं, अब तो स्कूल से गायब रहने वाले छात्रों के नाम भी काटने का निर्देश दे दिए हैं। के पाठक के इन्हीं निर्देश का पालन कराने के चलते एक शिक्षक को स्कूल में ही पीट डाला गया। शिक्षक को छात्राओं के घर वालों ने दम भर कूट दिया। दरअसल पूरा मामला क्या है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बिहार के दरभंगा जिले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश का पालन करवाना एक गुरुजी को महंगा पड़ गया। यहाँ के सिहवारा प्रखंड के मध्य विद्यालय बिरदीपुर में शिक्षक ने छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस पहनकर ही विद्यालय आने को कहा। इसके बाद छात्र छात्राओं के घर वालों ने स्कूल पर धावा बोल दिया। स्कूल कैंपस में ही स्कूल ड्रेस पहनने की नसीहत देने वाले टीचर को पीट डाला। इधर शिक्षक पर हमला होते ही देख विद्यालय में भगदड़ मच गई। छात्र छात्राएं इधर उधर भागने लगे। मौके पर पहुंचे शिक्षकों ने बीच बचाव कर पीड़ित शिक्षक की जान बचाई। जख्मी सहायक शिक्षक गुलाब हसन को इलाज के लिए सिंहवारा CSC में भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले की जानकारी खुद शिक्षक गुलाब हसन दे रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुनिए। सर, हम स्कूल में उपस्थित थे और बच्चे लोग यूनिफॉर्म में नहीं थे, तो हम हर क्लास में गए। सबसे पहले 8 क्लास में गए, उसमें 5-7 बच्चे को उसमें से भी निकाला। कहा कि गार्जियन से जाइए, आखिर दिक्कत क्या है, सारे बच्चे उपस्थित हो गए हैं ड्रेस में, तो आप आइए गार्जियन को लेके प्रॉब्लम उसको हल करेंगे। बच्चे लोग फिर वहाँ घर के लिए चले गए। फिर हम 7 में आए तो मैडम बोले कि सर इसमें जगह नहीं बन रहा। तो 5 बच्चे थे जो जगह नहीं बन रहा था, तो हम ऐसा किए कि जिसमें जो लोग यूनिफॉर्म में नहीं है उनको भेज दीजिए और बच्चे को बैठा दीजिए। वो बच्चा उसमें बैठ गया। कुछ देर के बाद 2-3 गार्जियन बच्चे को लेके आए, जिसमें कचहरी के सुशील जी हैं, पासवान जी हैं, वो भी अपने बच्चे को रिटर्निंग में मोटरसाइकिल से लेके आए। क्या प्रॉब्लम सर बच्चे को, हमने देखिए यूनिफॉर्म में नहीं है। बोले कल से आ जाएगा। हमने जाइए क्लास में जगह नहीं है, अगर आप लगता है कि हम आसानी से बैठा लेंगे। तो हर बेंच पर 5-5 बच्चे बैठे थे, एक बेंच पे 4 बच्चा बैठा था, वो उस पर गए एक बच्चे को बैठा के। कुछ देर के बाद निकले, हम लोग क्या हुआ समझ में आया क्लास का। बोले सर जगह ही नहीं है। हम बोले हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 100% बच्चे की उपस्थिति करना चाहते हैं तो जगह नहीं है। जगह करते हैं तो यूनिफॉर्म में जो बच्चे नहीं आते उन्हीं को भेज रहे हैं, तो गार्जियन जो है इस तरह का माहौल बन रहा है। कुछ देर के बाद जो है मैंने एक और गार्जियन जो बच्ची थी उसकी, वो 1.5-2 महीना पहले एडमिशन हुआ था, तो वो यहाँ शायद नहीं रहते हैं, हमसे उससे तारुफ नहीं, हमको नहीं जानते, मतलब सीधे आए गाली गलौज करके, सीधे वो एक्शन ही रूप में आए। और उसके बाद रूम में हमने देखिए यहाँ बच्चा है, देख लीजिए जगह है इसमें। और वो क्या किए कि वो गए वो कॉलर वॉलर पकड़ के सीधे मतलब गाली गलौज मारपीट स्टार्ट कर दिए, गाली के साथ पहुँचे, समझा। यही स्थिति रही। उसके बाद जो हमें रजिस्टर लेके जो हमें यहाँ ऑफिस में आए, तो यहाँ ऑफिस में जब आए तो हम क्या कि सर का आदेश है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। पीछे से धक्का मुक्की करते हुए आज ऑफिस में आया था, सारे टीचर अपने क्लास में दस लोग बाहर थोड़ा निकल ही गए थे 2-4 आदमी। तब जो है वहाँ पर रजिस्टर था, समझा, बोले हाजिरी अटेंडेंस, मेरे बच्चे का अटेंडेंस पूरा 100% बनना चाहिए, पैसा मिलना ही चाहिए, समझा। वो 7 का दोनों बच्चा रजिस्टर मेरे हाथे में था जो हम लेके आए थे यहाँ टेबल में, वहीं पर लेके जो है वो देखते हैं कौन, मतलब ऐसे करके मतलब बेबस हो गए हम। इस मामले को लेकर विद्यालय के हेडमास्टर चंद्रभूषण कुमार का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। क्लास में गए, ड्रेस के बारे में बताए कि हम लोग ऊपर कार्रवाई होती है, गार्जियन के बच्चे को निकाले और कहे कि गार्जियन को बुला के लाओ, हम गार्जियन से बात करेंगे। उसके बाद वो लोग गए घर पर, क्या कहे क्या नहीं कहे सो नहीं मालूम। 2-4 गार्जियन आए और गुलाब सर को भीतर घुस के पीटने लगे, और कुछ लोग 4-चक्का से भी आए थे और बहुत लोग जमा हुए। अब कौन क्या कर रहा है सो हम क्या देखे, हम बीच बचाव करना शुरू कर दिया। तो आपने हेडमास्टर को सुना, जिन्होंने बताया कि के पाठक के आदेश को अक्षरशः पालन करते हुए
विद्यालय में आने वाले सभी बच्चों को ड्रेस कोड में आने की प्रतिदिन नसीहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालय परिसर में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को पत्र भेजा जा रहा है। फिलहाल मामले को लेकर शिक्षकों में भय का माहौल बना हुआ है। अब इस मामले पर के पाठक क्या एक्शन लेते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।